यहाँ पर टैंक नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने कैवलरी के हाथ में जो सफेद और लाल रंग का देखा था ना ध्वज, जो राष्ट्रपति अंगरक्षक के हाथ में भी है, उसमें जो लाल है वो रक्त को बताता है, यानी समर्पण से पहले रक्त, आत्मसमर्पण और रक्त, ये इस तरीके से उसको डिनोट किया गया है और इसीलिए लाल और सफेद रंग नजर आता है। और देखिए सल्यूटिंग डायस की तरफ मुड़कर सल्यूटिंग डायस को, सलामी मंच को सलामी देने की ये परंपरा है, जिसके अंदर जो गन का टरेट है वो नीचे किया जाता है कुछ देर के लिए, और ये सलामी की परंपरा होती है। जब सलामी मंच के आगे से टैंक गुजरता है तो इस तरीके से उसमें जो दस्ते सवार हैं टैंक पर मौजूद हैं, T90 भीष्म इसका नाम है, ये रूस से लिया गया भारत का टैंक है, काफी मजबूत माना जाता है ये टैंक, और ये भारतीय सेना का ही जो आर्मर्ड कोर है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है T90 भीष्म। और आपको देखिएगा जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं दीपक जी, बहुत सारे नाम है आपको इसके अंदर, नाम आपको मिलेगा भीष्म का, इसमें नाम आपको मिलेगा नाग का, इसमें नाम मिलेगा शिव के धनुष पिनाक का, तो ऐसे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो इन नामों के अंदर भी झलकती है। ब्राह्मोस जी, ब्राह्मोस वो भी वो नाम भी इस हाँ, वो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी जो है उनसे मिलाकर बनाया गया है, भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है वो। और देखिए इस 10 सालों में देखिए, अब तमाम अलग अलग तरह के टैंक आपको दिखेगा, पिनाका आपको दिखेगी, आपको T90 टैंक दिखे हैं, आपको इसके अलावा BMP-2 KK दिखेगी, और वाहन दिखेंगे, ये सब दिख चुके हैं। ये नाग सिस्टम है, है ना, ये नाग मिसाइल सिस्टम है, और नाग जो है ये मिसाइल सिस्टम नामिका पर सवार है, नाग और नामिका की जोड़ी है ये, तो ये नाग और नामिका की जोड़ी है। इसके अंदर जो 6 मिसाइलें आपको दिख रही हैं, इसके अलावा 6 मिसाइलें इसमें स्टोरेज में होती हैं, 12 मिसाइलें इसके अंदर कुल होती हैं, और ये BMP-2 जो एक रशियन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये बना हुआ है, और नाग मिसाइल सिस्टम है जिसे शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और BMP-2 पर बनाया गया है, एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और इसके अंदर 4 सैनिक होते हैं BMP-2 के अंदर, और जब ये होता है बता रहे ना कि बंदूक की ढाल को झुकाया जाता है, जो टरेट होता है अभी देखा वो उसको झुकाया गया बकायदा जी जब सलामी दी जा रही थी। बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है पढ़ा है आपका। अब देखिए ये चल रहा है, अब इसके बाद आएंगे ऑल टेरेन वाहन, है ना, हमेशा पहला, ये था BMP-2 के, ये देखिए ये BMP-2 है, ये BMP-2 का इसका नाम सारथ है, और ये BMP जो होते हैं ये आर्मर्ड कोर का, जैसे मैंने कहा आर्मर्ड कोर जो है भारतीय सेना की, क्या महत्व होता है जनरल सेना इसका? आर्मर्ड कोर में दो, जो मैकेनाइज इन्फेंट्री हम कहते हैं, मैकेनाइज इन्फेंट्री है जिसको आप जो आप बता रहे हैं BMP, जिसके अंदर में दो तरह की है, एक तो फाइटिंग वाली है जिसको एक ICV कहलाता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, उसमें 10 लोग पीछे बैठते हैं, तो ICV और BMP दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। जो BMP-2 आपने जो नाग बताया, नाग वो है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो सेना में रोकना चाहूंगा आपको, ये तस्वीर जी, ये ऑल टेरेन व्हीकल जो है दीपक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक तो इसमें देसी का दम आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ रहा है, ये आत्मनिर्भरता की तस्वीर है, ये सब भारत के अंदर बनाए गए ऑल टेरेन व्हीकल है, और ऑल टेरेन आप देखिए कि भारत की अगर सरहदों को आप देखें, 7,500 किलोमीटर भारत की समुद्री सरहद, इसके अलावा जो पहाड़ी इलाका है 2,500 किलोमीटर जो है वो तो केवल हिमालय का ही इलाका है, और इतनी बड़ी सरहद के अंदर 3,488 किलोमीटर जो है आपकी LAC है, तो इसमें इतने डिफरेंट किस्म के टेरेन है जहां पर आपको ऑल टेरेन व्हीकल की जरूरत पड़ती है, यानी किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर किसी भी तरीके की सतह के ऊपर ये चल सके, और पहिए देखिए जरा कितने ऊंचे और कितने भारी हैं। जी हाँ, और यही इनकी विशेषता है कि किसी भी परिस्थिति में गड्ढा हो उसको क्रॉस कर लें, पानी हो उसको क्रॉस कर लें, और किसी तरह का इफेक्ट उसके ड्राइवर पर ना हो, इसकी तमाम तरह की सहूलियतें इसके अंदर दी गई है। बिल्कुल, इनको भारत में ही बनाया गया है, फिलहाल इनमें से कुछ वाहन जो है वो इंडक्ट नहीं हुए हैं, केवल परेड के लिए इन्हें यहाँ पर दिया गया है, और ये भी शोकेसिंग है एक तरीके से। हम्पी जो आप बात करते हैं ना, अमेरिकन बहुत फेमस हुआ हम्पी जी, उससे भी ये बड़ा है क्योंकि ये टाटा ने निकाला है और पूरा इंडिजिनस है, 100% पार्ट जो है इंडियन है, और इंडियन जो यू नो सरहद इतनी ऊंची और रेगिस्तान के अंदर में इसमें चलने की क्षमताएं, और मेजर तूफान चौहान इसकी अगुवाई कर रहे हैं जी, एकदम तूफानी रफ्तार। और देखिए अगला कौन है, अगला पिनाका है, जो नाम आपने लिया था भगवान शिव का धनुष, और इसका इसको नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट प्रियंका। बिल्कुल, और करीब इस मैकेनाइज्ड दस्तों के अंदर दीपक जी आप देखेंगे कि 7 दस्ते ऐसे हैं जिनकी अगुवाई महिला अधिकारी कर रही है।
तो ये देखिए लेफ्टिनेंट प्रियंका चोपड़ा जो है वो इसकी अगुवाई कर रही है। ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है, ये पिनाका मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने तैयार किया है और इस डीआरडीओ के अंदर इसके अंदर करीब 12 रॉकेट होते हैं, करीब 37.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है और ये मतलब सटीक निशाना तो लगाते ही है लेकिन एयर डिफेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये पिनाका मिसाइल सिस्टम जिसे और पिनाका को भी इसके लिए भी ऑर्डर्स आने लगे हैं। पिनाका के लिए भी ऑर्डर्स आने लगे हैं लेकिन अगली चीज आएगी वो और दिलचस्प है, ये हथियार का पता लगाने वाली रेडार प्रणाली है स्वाति, इसको भी डीआरडीओ ने विकसित किया है और आर्टिलरी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा इसका नेतृत्व कर रही है। दीप्ति राणा इसका नेतृत्व कर रही है और कैसे ये हथियारों का पता लगाता है रेडार बताइए। बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि आपसे ये पिनाका सिस्टम और स्वाति ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं, ये सिस्टम ऐसे होते हैं क्योंकि ये वेपन को लोकेट करेगा यानी किसी भी चीज को, किसी भी फॉरेन एलिमेंट को, कोई एनिमी फायर अगर आ रहा है तो उसको लोकेट करेगा रडार, स्वाति रडार, इसे भी डीआरडीओ ने तैयार किया है और उसके बाद उसे काउंटर फायर किया जाएगा पिनाका से यानी पिनाका उसे किल करेगा। तो देखिए कितना मतलब और इन तमाम चीजों के अंदर हर तरह की टेक्नोलॉजी उन्नत टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। एक झांकी आएगी आईटी मंत्रालय की जिसके अंदर बताया जाएगा कि भारत जो है आजकल क्या कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत बहुत काम कर रहा है और अगला क्या है सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम। बिल्कुल ये बताइए पढ़ाइए क्या है ये आत्मनिर्भरता की एक और तस्वीर है, ये सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम होता है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऑल टेरेन व्हीकल की जरूरत पड़ती है, कई जगह ऐसी चीज होती है जब आपको दस्तों को मूव करना है, अपने टैंकों को मूव करना है और ऐसे में कहीं अगर खाई तो ये सर्वत्र 15 मीटर का सिस्टम होता है, 15 मीटर की खाई को ये तत्काल पाट देता है, वहां रास्ता बन जाता है, आप अपने दस्तों को मूव कर सकते हैं और सेना के अंदर मूवमेंट जनरल सेना सबसे महत्वपूर्ण होता है, मोबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये खास करके जो डिचकम बंद है, जो बंद बनाए गए हैं पाकिस्तान के साथ में, चाइना भी इसको बनाता है, तो उनको पाटने के लिए बहुत, और ये असॉल्ट का हिस्सा है, इसको असॉल्ट इक्विपमेंट कहते हैं, ये जो असॉल्टिंग फॉर्मेशंस हैं इसके पीछे होती है, ये पहले जाके पाटती है, इसके पहले माइंड क्लियरेंस होता है। इस दस्ते के आगे भी जो है ये भी इसके आगे जो है वो कैप्टन सुमन सिंह है सर्वत्र में भी और देखिए अब आ गया है सेना का डीजे ड्रोन जैमर। जी बिल्कुल ड्रोन जैमर और इसका भी नेतृत्व कर रही है लेफ्टिनेंट कर्नल 11 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बटालियन की लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान। तो ड्रोन आ गए हैं तो उसके जैमर भी आ गए हैं। बिल्कुल दीपक जी, ड्रोन इस समय एक बड़ी चुनौती है और दुनिया भर के अंदर जो ड्रोन वॉरफेयर है या जो इमर्जिंग है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, उसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है कि ये बहुत सारी चीजें यानी लड़ाई का की तस्वीर बदल सकते हैं और हमने देखा है कि हाल के दिनों में ड्रोन का किस किस बैटल फील्ड के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में ड्रोन है भारत के पास में, अच्छा दोनों चीजें दीपक जी, भारत के पास में निशांत और रुस्तम जैसे अपने ड्रोन है जो कि देसी तकनीक से बनाए गए हैं, इसराइल से लिए गए जो हेराइन ड्रोन है वो है, इसके अलावा MQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो अमेरिका से ले रहे हैं और इसके अलावा हमने अपने ड्रोन तो बनाए हैं लेकिन साथ में ड्रोन का जैमर सिस्टम भी हम लोगों ने तैयार किया है और ये भारत अपने जो शस्त्रागार है, अपना जो अस्त्रागार है उसकी तस्वीर किस तरीके से बदल रहा है ये उसकी भी एक वानगी है जो समय कर्तव्य पथ पर दिख रही है। और देखिए उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी निगरानी प्रणाली, अब रेडियो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है जनरल साहब रेडियो कम्युनिकेशन। देखिए रेडियो हमारी सारी की सारी चीजें रेडियो के ऊपर डिपेंड और कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि कम्युनिकेशन सब जगह तो लाइन बिछ नहीं सकती तो रेडियो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक उसको हम ECM कहते हैं, ECCM कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। तो हम ये लगातार ये जद्दोजहद चलती है जो दिखती नहीं लोगों को, जिस तरह से हम लड़ाई करते हैं जमीन के ऊपर में, तो हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी लड़ाई करते हैं, उसको काटते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको तो जैमिंग वो एक उसका बहुत बड़ा जैमिंग नॉर्मल शब्द में वो तो जैम कर देना पूरे के पूरे सिस्टम को, तो उनके कमांड कंट्रोल सिस्टम ही खत्म हो जाती है, उनके रडार को जाम कर देना। आप आज तो इतनी तकनीक आ गई है कि अभी लेजर से आप फायर भी कर सकते हैं, उसको जैमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो को समझाते हुए और ट्रांसलेशन ट्रांसलेट भी करते हुए मोदी बता रहे हैं क्या क्या बना लिया है भारत ने, लॉन्चर MRSAM है, मीडियम रेंज MRSAM इसे कहा जाता है, मध्यम दूरी से हवा में मारकर सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका नेतृत्व भी लेफ्टिनेंट सुभेदा तिवारी कर रही है। बिल्कुल,
और MRSM के बारे में कहा जाता है कि करीब 60 किलो तक का वॉरहेड जो है ये MRSM लेकर जा सकती है, ये 503 एयर डिफेंस। तो अभी तक हमने जो देखा सब स्वदेशी, बिल्कुल स्वदेशी, बिल्कुल एकदम देसी का दम। सबसे पहले देश की चीज देखिए, देश का दम देखिए, बिल्कुल, और देश का दम देखिए, हमारे वैज्ञानिकों का दम देखिए, DRDO का दम देखिए, हमारे यहाँ के जो ब्रेन्स है उनका दम देखिए। और आपने एक बात सही कही, हमको कभी कभी लगता था कि आबादी हमारे लिए अभिशाप न बन जाए, लेकिन हाल के तौर पर हमने देखा कि आबादी अभिशाप नहीं बनी, बल्कि हमने लोगों को ऐसे ऐसे टैलेंट दुनिया में दिए हैं जो भारत की भूमि से निकल कर गए हैं। अब तो दीपक जी ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट है ना, जिसका जिक्र अभी फ्रांस ने भी किया, और सब लोगों ने, भारत ही नहीं, केवल फ्रांस ने ही नहीं, ऑस्ट्रिया कर चुका है, ब्रिटेन भारत के साथ कर चुका है, दुनिया के कई देश कर चुके हैं, क्योंकि टैलेंट हर किसी को चाहिए। माइग्रेशन के साथ में परेशानियां ना आए, उपद्रव ना आए, हिंसा ना आए, ये हर किसी की चिंता है, और यूरोप की तो खास तौर पर चिंता है। और अगर आप ईस्ट एशिया में भी देखें, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, आबादी उनके यहाँ भी एक बड़ी चिंता है। उनके यहाँ घटती हुई आबादी है, हमारे यहाँ पे 35 वर्ष से कम उम्र की आबादी है, वो टैलेंट पूल भरा पड़ा है, और इसमें हर कोई चाहता है कि इस टैलेंट पूल का इस्तेमाल किया जाए। और देखिए तमाम जो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता हैं, वो बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर भी पीछे बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी साथ में, उनकी पत्नी धर्मपत्नी दिखाई दे रही है, गजेंद्र शेखावत भी नजर आ रहे हैं, जी हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत भी नजर आ रहे हैं, पीछे खड़े हुए हैं वो। और दर्शकों में देखिए, लाभार्थी लोगों को खास तौर पर बुलवाया गया है, और जब आदमी कोई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड देखता है, 13,000 ऐसे लोग हैं, 13,000 जगह ये लोग जाएंगे वापस। चलिए अब मार्चिंग दस्ते भी आ गए हैं, बिल्कुल पहले बता दिया जाए कौन सा मार्चिंग दस्ता है। बिल्कुल, सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था, ठीक है, तो मद्रास रेजिमेंट के बारे में आप बताइए। बिल्कुल, इन्हें तंबी कहा जाता है, मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग तंबी कहा जाता है, और ये तंबी जो है मद्रास रेजिमेंट चुस्त चाल के साथ में आगे बढ़ते हुए, और उनकी टोपी के ऊपर ना आपको एक खास किस्म का जो नजर आता है, एक खास टोपी होती है जिसके ऊपर ये काले रंग का है, जो इसे पॉम्पॉम कहा जाता है, ब्लैक पॉम्पॉम कहते हैं, और ये इनकी पहचान है। और रेजिमेंट, रेजिमेंट का कलर, रेजिमेंट का नाम, नमक, निशान, ये तीनों चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए देखिए तीनों सेनाओं के सैल्यूट अलग अलग हैं, यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं, यूनिफॉर्म में भी हर रेजिमेंट की, हर पलटन की, हर बटालियन की एक अलग पहचान है। और ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये हर सैनिक को एक अलग पहचान देता है। जैसे वो अपनी पलटन में जाता है तो पलटन के साथ में उसका एक बॉन्ड होता है, और वो अधिकारी का उस पलटन के साथ में आजीवन एक बॉन्ड होता है। हमारे साथ में कमांडर सरदाना है या स्क्वाड लीडर दीक्षित है, अब ये जीवन भर के लिए अपनी स्क्वाडन से, अपनी यूनिट से जुड़े हुए हैं। और इस यूनिट का सूत्र वाक्य है वीर मद्रासी। हाँ, वार क्राय आजकल सब समझ गए, जिसने भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी है सब लोग समझ गए वार क्राय होता क्या है। वार ये है वीर मद्रासी, अडिगोलू अडिगोलू, अडिगोलू अडिगोलू कहा जाता है, यानी आया वीर मद्रासी, आया वीर मद्रासी। और ये देखिए इतना शानदार दस्ता, अगला दस्ता कौन सा है, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेडिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेडिंग सेंटर का संयुक्त बैंड। यानी कई कई दस्तों को इसमें क्या होगा, बैक टू बैक आपको कुछ मार्चिंग इन्फेंट्री दस्ते मिलेंगे, और उसके बाद कई के रेजिमेंटल सेंटर के बैंड्स मिलेंगे। तो मार्चिंग दस्ता, फिर बैंड, फिर मार्चिंग दस्ता, फिर बैंड, इस तरीके से ये पूरा पैटर्न जो है वो चलेगा। कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, नाम, नमक, निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, और देखिए ग्रेनेडियर्स का दस्ता है, खासियत है ग्रेनेडियर्स की, द वॉर क्राई राजा रामचंद्र की जय। देखिए राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल्स कंटिंजेंट, और राजपुताना राइफल्स भी क्यों ना, क्योंकि राजपुताना राइफल्स और राजपुताना राइफल्स।